पता ना क्या इसके पास दिमाग, मतलब अलग टाइप का आदमी है। सारा बात बोलना इनको हम। बोलिए ना, और हम आपका मेन मोटिव क्या था वो फोटो भेजने का, ये हम जानना चाह रहे हैं। क्या कैसे मदद कर सकते हैं आप? देखिए मदद कर सकते हैं आपको। देखिए कहने का मतलब है कि आपको कहीं कोई पदाधिकारी की आवश्यकता हो, कुछ थाना में आवश्यकता हो, बताइए हम आपको बात कर बोला जो। देखिए आप सबसे बड़ा चीज, आप जो भेजे हैं ना उसका वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? वो तो फेक वीडियो लग रहा है बना हुआ, वो जो कोई ऐप से बनाया हुआ, उसका दोनों का फोटो डाला हुआ है। आप बिरजू और बैजू की माँ जो अगर है वो जेन्युइनली, तो उसका एक और वीडियो मंगवा लीजिए बना के। बैजू की माँ का आधार कार्ड मंगा लीजिए, और बैजू का तो आधार कार्ड है ही हमारे पास, और उसके पिताजी का आधार कार्ड एक बार भिजवा दीजिए। तो आप ही का वार्ड में रहता है वो लोग ना, तो आपके पास तो ऑलरेडी सारा का डिटेल्स बढ़िया से होगा आपके पास। सब कुछ मेरे पास, हर चीज है मेरे पास, हर चीज है। तो ये चीज भिजवाइए। चाचा के बोलिए, वो उसका नंबर के बाद देखे होंगे मेरा नंबर दिया था कि धमकी दे रहा है लड़का, लेकिन मेरे पास संयोग से उस समय उसका सारा बात रिकॉर्ड किए थे, तो रिकॉर्डिंग था, इसलिए वो बोल नहीं सकता है कि हम धमकी दिए, समझे बात को? और वो झूठ बोल के फंसते जा रहा है हर जगह। उसके पास कुछ है नहीं, उसे डरिएगा नहीं, समझे? ओ हम लोग देखिए डरते उसी से हैं, अगर कहीं हम लोग गलत किए ना तो डरेंगे, बाकी किसी से नहीं डरते हैं। क्या वो उससे एकदम मत डरिएगा, एकदम कुछ नहीं हुआ, जीरो है कुछ है। हम जान रहे हैं, वो सड़क छाप है, उसके खिलाफ जितना केस हुआ है ना, जहां जहां सारा केस नंबर के साथ हम लोग निकलवा चुके हैं कि कहां चोरी तक का केस हुआ है उस पे। अच्छा हाँ बता दी, FIR का कॉपी भिजवा दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ निकलवा देंगे, वो भिजवा दीजिए तो वो ज्यादा अच्छा काम दे देगा हम लोग को। ऐसे केस नंबर रखने से क्या होगा? नेट का जमाना है, केस नंबर दे देंगे, सारा निकाल लीजिएगा। अच्छा ठीक है, समझे ना, मेरा पटने में घर है, ठीक है। कहाँ पे? एतवारपुर में मेरा घर है, पटना में। अच्छा नहीं, ध्यान नहीं है किधर है एतवारपुर। हाँ मैं बोलूँ, मैं आज से जब से चुनाव जीते हैं ना, हेलो, हाँ भरे के छोड़े, लेकिन बोलूँ में हम सब हमेशा बोलूँ रोड में रहते थे हम। कहाँ पे? अपार्टमेंट, कृष्णा अपार्टमेंट, मानसली अल्पना मार्केट है ना जी, बहुत सारा होगा, पूरा घर घर हमको मालूम है जी, समझे? शिवपुरी वगैरह नगरू जो है हम सब कहाँ छिपा हुआ है। अच्छा समझे, इससे एकदम एक मिनट करिएगा, पहले भी जब सवाल होगा थाना होना के लिए बोलिएगा, हम भोला जी से बात फोन करवा देंगे, समझे ना। भोला जी कौन है आपको? लालू जी के खास आदमी है वो। अच्छा अच्छा जी, नहीं चलिए बहुत अच्छा है, अगर वैसा वैसा अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो एकदम जरूर आपको हम याद करेंगे। मैं अपना आपको फोटो भेजता हूँ, मैं लालू जी से हाल ही मिल कर आया, समझे? हाँ 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 भेजिए, फोटो भेजता हूँ। उसका माँ का ओरिजिनल जो, अरे नहीं वो ज्यादा जो है ना आरके सिन्हा का धमकी देता है। नहीं सुनिए ना, आरके सिंह का कुछ नहीं, झांट नहीं है उसको, आरके सिंह में ताकत था, काहे नहीं बैंक जो छुड़ा दिया थाना से, वो जेल जा रहा था। नहीं उसका लेटर हेड पे ना, उसका लेटर हेड का कुछ हमको दिखा रहा था कि आरके सिन्हा लिख के दिए, हम बोले वैसा वैसा बहुत छप जाता है बाबू, तुम लेटर हेड मत दिखाओ, तुम अपना FIR का कॉपी दो। सुनिए ना, हमको जरूरत तो नहीं, हमको जरूरत होगा हमको पटना बुलाइएगा, मैं आऊंगा, और डायरेक्टली आरके सिंह पर एफआईआर होगा, अगर आरके सिंह के पास वो जो आरके सिन्हा नहीं, उनसे कोई मत, उनसे कोई हम लोग को लेना देना नहीं है, आना ही मतलब है मेरा। अच्छा एक बात बताइए, मेरा कहने का मतलब है आज के डेट में नरेंद्र मोदी का नाम लेके कोई बोलेगा कि नरेंद्र मोदी का हम खास आदमी है तो हम नरेंद्र मोदी पे केस करने चले जाएंगे, ऐसा नहीं ना होता है। देखिए खाली सुहना नाम पे जी रहा है, कुछ है नहीं, कुछ इसका कोई वैल्यू नहीं है जी। साला जब जेल गया था साला, कुत्ता भी साला इसे मिलने नहीं आया था। अच्छा तो कहते हैं कुत्ता भी जो होता है साला, हम लोग साला थाना में जाएंगे जो लान लग जाएगा आदमी का, लेकिन जब भी थाना में गया था ना साला एक कुत्ता भी इसके पास को नहीं गया था कि साला। अच्छा के अच्छा ये किया क्या क्या है केस के, इस पे किस किस चीज का केस हुआ है अभी तक ये बता सकते हैं? इसके ऊपर सुनिए, इसके ऊपर केस है लड़की भगाने का, यही भगाया था, ठीक है। हाँ हाँ दूल्हा की फिरौती मांगा था, ये दूल्हा किससे फिरौती मांगा था? लड़की वाला से,
हाँ सारा डायरी देख लीजिए उसका, अच्छा ये पढ़ने बोलता है निकाल कि इसका करके। परिवार में कोई लड़की भगाया तो इसको जेल हो गया, नाबालिग सुनिए लड़की। इसको पटना, सुनिए पटना जाके इसको पुलिस गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार आ थी इसको, इसको फिरौती मांग 2 लाख मांग रहा था, ठीक लड़की देंगे ठीक है ना। हाँ पटना जाके पुलिस इसको, इसको जो है डाकमंगला के पास में जाके दबोचा है समझे। उसके बाद में इस पर केस है, अपने भाई के साथ है और माई के साथ मारपीट किया है ठीक है, वो केस है समझे। इसका माई की लड़की है इस पे ठीक है, ठीक इसकी है माँ ना। का नंबर होगा उसके ना, बाद उस आए इसकी माँ का या पिताजी का नंबर? पिताजी तो मरा हुआ है, पिताजी नहीं, पिताजी के यही लोग मार दिया जो मर गया, अच्छा बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है। उसका माँ के सुनिए ना क्या अच्छा क्या ये बोल जो रही है, आप सुनिए केस ना उसका बता माँ। रहे हैं हाँ कि बैजू लड़की खुद लेके भागा था, लेकिन ये बोलता है कि मेरा परिवार है, मेरा भाई लेके भागा है, तो वो सत्य बात क्या है? अरे देखिए लड़की इसका भाई लेके भागा जरूर, भाई नहीं इसका बगल का समझे, लेकिन हाँ ये फिरौती मांग रहा है 2 लाख रुपए दो हम तुमको लड़की देंगे। हाँ बैजू, तो आप लोग कुछ नहीं किए जी, आप तो पार्षद हैं। अरे भाई तो केस किए तब ना जेल गया, जेल गया उसी में ना कहें कि उसकी सकी है, तो पूरा आप गांव से तो भागा अपना हुआ है। समाज में, शहर में मान लीजिए पार्षद एक अलग अलग उसका ये है, लेकिन गांव में आप पार्षद हैं, तो अरे समाज में अरे कैसे घुसने मेरी बात देते हैं ये सुन, लोग को? मेरी 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 बात सुनिए, तो गांव में इस भगाया गया है, गांव में है कहाँ, मेरी बाढ़ में इसका एंट्री कहाँ है, ना मेरा बाढ़ में इसका एंट्री है, ना ही इसका थान जेल किसे गया बताइए, 5 6 महीने जेल में किसे रहा, हम लोग कार्रवाई किए थे ना जेल गया, तो नहीं कुछ किसे किए, बहुत कुछ मांगी को बोल देंगे हम आपको। अच्छा देखिए यही सब इसका काम लेकिन रह गया, गुप्त गुप्त नाबालिग लड़की को गुप्त रखिएगा, भगाओ, गुप्त फिरौती मांगो। रखिएगा इस चीज को सुनिए ना, गुप्त रखिएगा, केस नंबर सारा चीज देंगे आपको ठीक है। अच्छा एक बात लेकिन बताइए, मामला गुप्त तो हम रखेंगे, लेकिन आपका नाम लेके हमको कोई बेनिफिट मिलेगा तब ना आपका नाम लेंगे जी, आप ही ये चीज समझना चाहिए ना, हमको आपका नाम लेने से कोई फायदा है? उल्टा हम नहीं कोई ही, फर्क कोई फायदा नहीं है। नहीं, लेकिन नहीं चलिए आप इतना सहयोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भेजिए ना खाली हमको, है ना, FIR का कॉपी हाँ निकाल, भेज कम से कम देंगे। मुझे लड़की भगाने वाला और ये फिरौती मांगने वाला इसका है ना, बस वो दे दीजिए ना। ठीक है मंगवा लेते हैं, चलिए ठीक है सर, ठीक धन्यवाद। ओके ओके। ओके बोलिए। मैं अभी जहानाबाद से वार्ड काउंसलर हूँ हाँ और जहानाबाद से वार्ड मुझे लग काउंसलर रहा हैं, है, जी, बाट नदी काकू नगर पंचायत से वार्ड नंबर 5 से, जी वार्ड नंबर 5 से ना जी जी, बोलिए। वो जो है बैजू साव और बिरजू साव, हाँ वो दोनों अनपढ़ गवार जाहिर है पहला चीज ठीक है, हाँ वो गांव से भागा हुआ है, गांव में उन लोग हम लोग जो है हम गांव में उसको जो है एंट्री नहीं होने देते हैं, कल ही अच्छा वो बच गया, कल ही उसको जो है खबर हुआ कि फला जगह आए हुए तो उसको घेरे, लेकिन साला वो भाग गया। वो जो आपको वीडियो भेजे हैं उसका अपना सगा माँ है और दो भाई है, जो अपना माँ को भी जिस्म के साथ खिलवाड़ करता है, जो उसका माँ खुद कह रही है, आप उस वीडियो में खुद सुनिए। अच्छा नहीं छोड़िए वो सब, देखिए उसका इंटरनली मैटर है, अब जिसके बारे में हमारे पास सबूत नहीं है, अब वो उसकी माँ के साथ क्या करता है वो नहीं ना हम लोग बोल सकते हैं, समझे बात उसके को? बाद सुनिए, मेरी बात सुनिए, देखिए हम आपको ये नहीं बता रहे, उसकी कहानी बता रहे हैं, इतना अच्छे लोग आप हैं, आप पढ़े लिखे आप लोग हैं, जी इन लोग गवार लोगों के साथ कैसे इंक्लूड हो गए, देखिए प्रियंका को इस उतना विषय में उतना कुछ मेरी। उसके बारे में जानकारी नहीं था। अच्छा वो सुनिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए, दूसरा हाँ चीज ये है कि वो जो है साला हरामी, समझिए कि 1 नंबर का जाहिल गवार, पूरे ज्यादा हमारे हमारे वार्ड में मात्र दो दो घर गुप्ता जी है, बात समझिएगा, हाँ लेकिन हम लोग सभी यादव समाज गुप्ता लोग देखिए उसका एक चीज हमने, आपको और बताते हैं आप सर, बात जाति का नहीं है, जाति अरे मेरी जाति बात में सुनिए ना, मेरी देखिए। आप पूरा बात सुन, अरे मेरी बात पूरा सुनिए ना आप, हम क्या बोलना चाह रहे हैं मेरी बात समझिएगा, जी पूरी बोलिए। बात सुनिए, हम लोग समझिए कि उसको समझते हैं कि गुप्ता जी नहीं है हमारा परिवार है, मेरी बात समझिएगा, ये सभी ठीक है, इस ये दोनों के अलावा सब कुछ पूरा जितना साहब जी का परिवार है सारा ठीक है, हम लोग का खान पीन में सब कुछ रहता है, हम लोग एक परिवार जैसे रहते हैं ठीक है, आप यादव ये क्या हैं, है कि जी ये क्या नाम क्या हुआ है, देखिए आपका? शैलेश यादव, अच्छा एक और भैया है मेरे, वो भी जहानाबाद के अच्छा ही हैं और अच्छा उनका भी नाम शैलेश ही है, लेकिन वो यादव नहीं अच्छा है, वो
वो यादव नहीं है, अच्छा, मतलब वो रहते थे पहले यहाँ बोरिंग रोड में। देखिए अच्छा। कास्ट वास्ट से कोई मतलब नहीं है, हमको उस गुप्ता से बहुत प्रेम होता है, प्रेम है भी अभी प्रेम है, और उसके बगल के आओ गुप्ता जी है ना, तो मतलब कि उसके घर में खाना, उसके घर में पीना, सारा चीज हम लोग का परिवार जैसा होता है। लेकिन ये आपको ऐसा ही मिल, आपको ऐसा ही है ना कि आपको एकदम मैंने पागल कर देगा आपको ये। ऐसा धरती पर हम समझते हैं तो भगवान न करे कि जन्म दोबारा कैसा तुमको हो।